जी, तुम्हारे घर पे पक्का कोई नहीं है ना? अरे नहीं बाबा, कोई नहीं है, बस घर पे ना मेरे पापा हैं। क्या पापा है? छोड़ो, उनसे मैं क्या ही लेना देना। मैं क्या कह रहा था कि मेरे से ना रुका नहीं जा रहा, क्यों ना हम यही वो सब कर ले जो अंदर करने वाले थे। कैसी बातें कर रहे, कोई देख लेगा तो रूम में चलते हैं ना। अरे कौन देखेगा, तुमने ही तो बोला ना कि तुम्हारे घर में कोई नहीं है, सिर्फ तुम्हारे पापा है और वो भी अपने रूम में सो रहे हैं, तो वो जब तक आएंगे तो वो सब कर चुके होंगे। बेबी बट बात समझने की कोशिश करो, पापा किसी भी समय वापस आ सकते हैं। अरे यार मेरे से ना और कंट्रोल नहीं हो रहा, तो रूम में भी जाके वो सब करना ही है, तो क्यों ना हम यही कर ले। तो तुम समझने की कोशिश करो ना, हम रूम में चलते हैं ना प्लीज। रूम में जाके भी तो वो सब करना ही है ना, तो क्यों ना यहाँ कर ले। और तुम बार बार मेरे को रूम में जाने के लिए क्यों बोल रही हो? यार देखो अपना, तुम बच्चों जैसी बातें कर रहे हो और घर में यहाँ पर ये सब, तुम थोड़ी तो शर्म करो ना। अगर किसी ने देख लिया तो, और मेरे घर वाले ही वापस आ गए तो। ठीक है, अगर तुम इतना कह रही हो तो चलते हैं। अरे ये टेडी बेयर यहाँ क्या कर रहा है? मैं देखती हूँ। अंकिता ये लड़का कौन है? बॉयफ्रेंड है ये मेरा। क्या कह रही हो तुम? अरे तुम तो शादीशुदा हो, तुम्हारा पति फौज में है और उसके पीछे ये तुम क्या कर रही हो तुम? तो क्या हो गया, कोई दिक्कत है तुम्हें? अरे तू मेरी बहू है, ये बेटा तू क्या कर रही है सब? अब ये फालतू की बात है ना, मेरे सामने मत करो। प्यार करती हूँ मैं पुनीत से और इसी के साथ रहना चाहती हूँ। अरे क्या कह रही है तू, प्यार करती है? अरे तुझे शर्म नहीं आती? क्या कह रही हूँ, क्या कह रही हूँ, क्या लगा रखा है? सही कह रही हूँ, जो भी कह रही हूँ, बॉयफ्रेंड है मेरा। तेरे बेटे से शादी हुई थी ना, उससे भी पहले से इससे प्यार करती हूँ मैं और इसी के साथ रहना चाहती थी। वो तो मेरे घर वालों ने जबरदस्ती तेरे बेटे से शादी करवा दी, वरना कोई इंटरेस्ट नहीं था मुझे उससे शादी करने में। इसका मतलब ये है कि किसी ऐरे घर को घर पर बुलाकर। ए जुबान को संभाल के बात कर, मैं एक वर्ड नहीं सुनूंगी पुनीत के खिलाफ, समझा? क्या कह रही है तू, इसके खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनेगी? अरे जिससे तेरी शादी हुई है उसको क्यों इतना धोखा दे रही है? हाँ तो कुछ गलत किया मैंने? जिससे प्यार करती हूँ उसके बारे में बुरा कैसे सुन सकती हूँ? और क्या लगा रखा है ये पति पति पति, प्रिंस कोई मेरा पति पति नहीं है। शादी के तीसरे दिन बॉर्डर पर गया था काम के लिए और अब देखो अभी तक नहीं लौटा है, 6 महीने होने का है। अगर वो मुझसे प्यार करता ना तो ऐसे जाता ना, उसने मेरे बारे में सोची जो मैं उसके बारे में सोचूं? मैं पुनीत से ही प्यार करती हूँ, पुनीत के साथ ही रहूंगी। और हाँ एक बात और सुन ले, अगर हमारा कभी बच्चा हुआ भी ना तो तेरे प्रिंस का नहीं पुनीत का ही होगा, समझा? अरे बहू अगर तेरा शादी से पहले चक्कर चल रहा था तो मेरे बेटे की जिंदगी क्यों खराब की, उससे शादी क्यों की? अरे वो तो फौज में है, देश की सेवा कर रहा है, तो यहाँ क्या गुच्छरे उड़ा रही है? अबे ओ ज्यादा ना चिल्ला मत मेरे सामने, समझा? अंकिता तुम्हारा ससुर तो बड़ा बदतमीज है, देख नहीं रही हो किस तरीके से तुमसे बात कर रहा है? तुम बोलो तो मैं इससे बात करूं? मैं करती हूँ इससे बात, क्या बुढ़े एक बार में समझ नहीं आ रही? कहा ना पुनीत से प्यार करती हूँ, क्यों पीछे पड़ा है मेरे? तब से प्रिंस 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 लगा रखा है, नहीं करती तेरे बेटे से प्यार। और हाँ जो उखाड़ सकता है ना उखाड़ ले, रहूंगी तो मैं इसी के साथ। तेरा बेटा तो वैसे भी घर पे नहीं आता, उसे क्या ही पता लग रहा है। और अगर तूने ज्यादा चूचक पड़ गई इसी समय ना तुझे इस घर से बाहर निकाल दूंगी, समझा? मुझे इस घर से कोई बाहर नहीं निकाल सकता का? ये घर मेरा है, मुझे इस घर से कोई बाहर नहीं निकाल सकता। तुम कौन होते हो मुझे घर से निकालने वाले? घर तेरा था अब मेरा है, और इस घर से बाहर ना मुझे अच्छे से निकालना आता है तुझे। चाहता है ये सब करूं? नहीं ना तो चुपचाप ना जो सब देख रहे आंखें बंद करके देखता रहे, समझा? और अंकल जी आपके लिए ना यही सही रहेगा कि आप हमारे मामले में ना पड़े, जैसा चल रहा चुपचाप चलने दीजिए, आंखें खोले लेकिन देखने के लिए, कुछ बोलने के लिए नहीं। और अगर उसके बावजूद कुछ बोलने की कोशिश करी ना या प्रिंस तक ये बात पहुंचाने की, तो याद रखना मिनट नहीं लगेगी इस घर से बाहर निकालने में आपको, फिर अच्छा लगेगा इस उम्र में दर बदर की ठोकरे खाते फिरोगे, कोई रोटी भी नहीं देगा। पता है ना आज के टाइम में बाहर के लोग कैसे हैं, नोच खाते हैं इंसान को। और हम तो शुक्र मनाओ कि आपकी उम्र का लिहाज करके आपको इस घर में रख रहे हैं, वरना अच्छा लगेगा इस घर से बाहर निकालते हुए नहीं ना?
तो जैसा कह रहे वैसा करो। सुन रही हो, बाहर का लड़का मुझे क्या सुना रहा है, मुझे घर से बाहर निकालने की धमकी दे रहा है। शरे बुड्ढा कैसे, इसको अभी भी समझ नहीं आ रही। बुड्ढे जा निकल यहां से, और हमारे बीच में बोलने की ना जरूरत नहीं, समझा? चलो पुनीत। पापा कब से चल रहा था ये सब? बेटा तेरे फौज में जाने के बाद कुछ ही दिनों बाद। चिंता मत कीजिए पापा, बस इसका आखिरी दिन होगा आज इस घर में। मुझे इसकी सारी सच्चाई जाननी है, ये कब से ये सब चल रहा था, अरे लड़का है कौन। बस एक बार मुझे सारी सच्चाई पता चल जाए, इसे धक्के मार के यहाँ से निकाल दूंगा। आप चिंता मत कीजिए, देखता हूँ मैं इसको। बस आप थोड़ा बहुत और पता लगाइए कि लड़का है कहाँ से और रहता कहाँ है, इनकी वाट मैं लगाऊंगा। मुझे धोखा देकर इसने अच्छी बात नहीं की है। यार मूड ही खराब कर दिया इस बुड्ढे ने मेरा तो। हाँ यार, तेरे ससुर ने ना सारा मूड खराब कर दिया। मैंने सोचा था कि तेरे से बातें करूँगा, तेरे घर पे भी कोई नहीं है, कितना खुश था मैं, और यहाँ कर देखा तो तेरे ससुर ने सारा छी। यार मेरे को ना इसकी इस बात पे बड़ा गुस्सा आ रहा था कि देखा नहीं तुमने कितनी बदतमीजी से तुमसे बात कर रहा था। मन तो मेरा ऐसा कर रहा था कि इसके एक थप्पड़ लगाऊं खींच के। यार इतनी बदतमीजी से बात, ये रोज ऐसी बात करता है क्या तुमसे? अरे नहीं यार, वो हमेशा ऐसा नहीं बोलता है। आज तुम्हार को मिलवाया ना उससे, इसलिए ज्यादा भड़क गया। अब कोई भी होगा भड़क के गई कि उसकी बेटे की बीवी ये हरकतें कर रही है, तो समझो ना तुम भी, उसका गुस्सा होना भी जायज था। तुझे पता सारा मूड खराब हो गया, कुछ करने का भी मन नहीं कर रहा। अरे तुम उसके बारे में इतना सोच ही क्यों रहे हो, छोड़ो ना, हम उसकी वजह से अपना मूड क्यों खराब कर रहे हैं। और वैसे भी तुम तो जानती हो उसको कितना गंदा धमकाया हमने, अपना किसी को बोलना क्या उसके बारे में सोचेगा तक नहीं। यार वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे को ना इससे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। क्या पता इसने फिर भी कुछ हेरा फेरी करी, प्रिंस को बता दिया, फिर हम क्या करेंगे। और वैसे जितना गंदा तुमने उसको धमकाया है ना, वो किसी को बोलने से पहले ना 100 बार सोचेगा। तुम तो जानते ही हो उसको हमने क्या बोला है, कि अगर बाहर बता देगा तो उसको घर से बाहर निकाल देंगे। बस इसी डर से ना वो चुप रहेगा और किसी को भी कुछ नहीं बताएगा। और सोने पे सुहागा, हमने ये भी तो बोला है ना कि अगर उसने ज्यादा चलाकी की तो फ्रेंड्स के खाने में जहर। हाँ ये तो तुमने सही करा, उसे उसके बेटे की धमकी दे दी। कम से कम कुछ बोलने की कभी सोचेगा भी तो एक बार अपने बेटे का चेहरा तो कम से कम याद रखेगा कि अगर बोला तो उसका क्या हाल होगा फिर। मैं जानती थी उसको ना अपने बेटे से बहुत प्यार है, तो अगर बेटे को कुछ करने की धमकी देंगे ना तो जरूर मान जाएगा। अपनी बारी में माने ना माने, लेकिन बेटे के लिए जरूर मान जाएगा। बस उसकी दुखती रात पे हाथ रख दिया और क्या। हाँ यार वो सब तो ठीक है, लेकिन ना मेरा अब कुछ करने का मन नहीं रहा। जब से इस बुड्ढे ने मेरा दिमाग खराब कराया ना, तो मेरा मन नहीं कर रहा अब कुछ करने का। मैं क्या कह रहा था यार, मैं घर चला जाऊंगी, अब फिर कभी आ जाऊंगा। मैं एक काम करता, उसके बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? मैं कह रही हूँ ना बंद करो उसके बारे में सोचना, हम कुछ और बात करते हैं ना। अरे एक बात समझो यार, ये तो अच्छा ही हो ना हमारे लिए, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब तुम खुद सोचो, पहले जब मैं तुमसे मिलती थी तो कितना डर डर के मिलती थी, ना घर बुला पाती थी ना बाहर ढंग से मिलती थी। बाहर भी यही डर रहता था कि कहीं कोई देख ना ले, कोई पहचान ना ले। और घर में तो तुम जानते ही हो, घर वालों के डर से तुम्हें घर नहीं ला सकती थी। पर अब देखो तुम जब चाहे मेरे घर आ सकते हो, मुझसे बातें कर सकते हो, जो भी करना होगा ना वही कर सकते हो। ये लड़का कौन है? ये जो मर्जी हो तुम्हें उससे क्या। और मैंने कहा था ना कि नॉक करके आया करो, नॉक करके क्यों नहीं आए? सॉरी मैं भूल गया था, वो अंकल जी इतना रो रहे थे तो मैं एकदम पूछने आ गया, वो अंकल क्यों रो रहे इतना? हाँ तो रो रहा होगा किसी वजह से, मेरे को क्या पता। क्योंकि मैं उनको देखकर डर गया था, इसलिए मैं आपसे पूछने आ गया। देख मेरा दिमाग ना मत खराब कर और जा निकल यहाँ से। तो अच्छा मैम साहब आप दवाई दे दो, मैं उनको खिला देता हूँ। मेरे पास तो कोई फालतू की दवाई नहीं है, और इतना मेरे पास फालतू का टाइम भी नहीं है जो उसके लिए बाजार से ला कर दूं। उसको बोल खुद खा लेगा। मुझे लगता है अंकल जी की ज्यादा ही तबीयत खराब है, मैं एक काम करता हूँ, मैं प्रिंस भाई को कॉल कर देता हूँ, फिर वो डॉक्टर का इंतजाम कर देंगे। अरे प्रिंस को फोन क्यों करना है? अरे एक मिनट, तेरे पास प्रिंस का नंबर कहाँ से आया?
मैम साहब, साहब जब घर से गए थे तो मुझे नंबर देके गए थे, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन कर दियो। प्रिंस को फोन करने की ना कोई जरूरत नहीं है, और उनका नंबर अपने फोन से डिलीट कर, करना होगा तो मैं कर लूंगी फोन, तुझे जरूरत नहीं है उनका नंबर रखने की। ठीक है मैम साहब, जैसा आप बोलो। लेकिन मैम साहब ये कौन है? दोस्त है वो मेरा, कहा ना मैंने दोस्त है ये, मुझे तो लगता है आपका बॉयफ्रेंड है। तुझे जो मर्जी लगे, निकल यहाँ से। अरे मैम साहब मुझे इतना भी बेवकूफ मत समझो, मैंने आपकी सारी बात सुन ली है जो आप इससे कर रही थी। तू क्या हमारी बातें सुनता है छुप छुप कर? अरे मैम साहब क्या करूँ, जब घर में काम करता हूँ थोड़ी आवाज आ ही जाती है बाहर। रामू अब ना तेरी बहुत बढ़ गई है ये हरकतें, इनको बंद कर दे वरना तू इस घर से बाहर हो जाएगा, समझा? और मैम साहब मुझे ये भी पता है आपने अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में साहब से बदतमीजी की है। देख प्रिंस को मत बताइए, इसके बदले में तुझे क्या चाहिए, तुझे कुछ पैसे चाहिए तो हम पैसे दे देते हैं। ठीक है ये बाद में किसी को नहीं बताऊंगा, इसके बदले पैसे लगेंगे। पागल पागल है क्या, 50,000 देंगे तुझे हम, 2-3,000 लेने तो ले। अरे मैम साहब इतने में कुछ नहीं होगा, एक काम करता हूँ साहब को कॉल कर देता हूँ, नंबर तो है ही मेरे पास। अरे रुक, क्या मुसीबत है, इसको 50,000 नहीं दी तो फिर ये बता देगा। चल ठीक है तुझे दे देंगे तेरे पैसे, अब जा यहाँ से, और प्रिंस को बताने की ना बिल्कुल जरूरत नहीं, समझा? मैम साहब बाल बाल का चक्कर नहीं है, मुझे पैसे अभी चाहिए, वो भी 50,000। पागल पागल है, अभी कहाँ से लाऊं मैं, जेब में लेकर थोड़ी घूमती हूँ 50,000। शाम तक रुक, बैंक से निकाल कर दे दूंगी। ठीक है अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन शाम तक पैसे नहीं मिले ना तो कॉल कर दूंगा भाई को। अरे दे दूंगी बाबा, कितना बोल रहा है यार, ये क्या नया ड्रामा है, इस नौकर को कैसे पता चल गई हमारी बातें? यार बोल तो रहा है, सफाई कर रहा था, सुन लिया होगा कुछ। अब इसे और दो 50,000 रुपए, 50,000 रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती अंकिता। यार अपनी इज्जत के लिए तो दी है, अब सोचो ना वो प्रिंस को बता देता तो क्या इज्जत रह जाती हम दोनों की, और क्या करते हम, प्रिंस तो मुझे तलाक ही दे देते यार, और अगर इसने पैसे लेने के बाद भी प्रिंस को बता दिया फिर हम क्या करेंगे? वो नहीं बोलेगा। मैं जैसे नौकरों को ना बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये पहले पैसे ले लेते हैं और उसके बाद ना सारी सच्चाई भी बता देते हैं। देखो मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे चक्कर में फंसूं, साफ साफ बता देता हूँ। समझने की कोशिश करो ना, नहीं बोलेगा वो, वैसे भी तुम जानते तो हमने पापा जी को कैसे धमकाया था, अगर ये बोलेगा ना तो इसके साथ भी वही करेंगे। चलो अब इसके अलावा और कोई तीसरा भी तो नहीं है ना इस घर में जो मेरे को यहाँ आने के लिए बार बार परेशान करेगा, ये हम दोनों को डिस्टर्ब करेगा। मेन तो ये दो ही थे जो इस घर में हमें परेशान करने वाले थे, चलो अच्छा है इनसे छुटकारा मिला। अरे तुम भी ना बहुत ज्यादा ही सोचते हो, थोड़ा कम सोचा करो, तुमसे प्यार करती हूँ मैं, ऐसे ही थोड़ी इनको अपने रिश्ता खराब करने दूंगी। हाँ यार प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करता हूँ, जब भी तो तुम्हारे लिए इस घर में आता हूँ मिलने, अगर तुमसे प्यार नहीं होता तो तुमसे इस तरीके से चोरी चोरी छुपे छुपे मिलने थोड़ी ना आता। हाँ वो तो मुझे पता है कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो, अब छोड़ो इन सब बातों को, कहाँ हम दोनों ये सब बातें लेकर बैठ जाते हैं। हाँ यार तुम सही कह रही हो, हम भी क्या ये फालतू की बातें लेकर बैठ गए। अंकिता बेटा मेरी बच्ची। यार क्या परेशानी है इस बुड्ढे को, क्या परेशानी है तुम्हें, बोला ना दूर रहे हमसे, कब से हम दोनों को दूर करने में तुला हुआ है। मेरे बच्चे मैं तुझे समझाने आया हूँ कि अब भी ये हरकतें छोड़ दे, मैं प्रिंस को कुछ नहीं बताऊंगा बेटा। क्या सही है और क्या गलत वो तू मुझे मत सिखा, मैं बड़ी हूँ मुझे पता है क्या सही है क्या नहीं। मेरी बच्ची ये सब करने से तेरा घर टूटेगा, मेरा कहना मान, तू घर में प्रिंस के साथ प्यार से रहे बेटा, नहीं तो पता नहीं ना जाने क्या से क्या हो जाएगा बेटा। देखो वो फौज में है, बॉर्डर पर बैठा है, घर से दूर है, और तो उसने कोई सोची मेरे बारे में? अरे कब से बॉर्डर पर है, एक बार भी पूछा उसने मेरे लिए नहीं ना, मैं उसके लिए क्यों पूछूं? मैं पुनीत से प्यार करती थी, करती हूं और करती रहूंगी, समझा? बेटा अगर प्रिंस को पता चलेगा उसकी पीठ के पीछे ये तुम ऐसा काम कर रही हो उसका दिल टूट जाएगा बेटा, ऐसा मत कर, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता मेरी बच्ची। अभी टूटता है तो टूट जाने दो ना, वैसे भी ऐसी शादी की जिंदगी किसको चाहिए, मैं पुनीत के साथ रह लूंगी, वैसे भी इतना अच्छा कमाता है, मेरा ख्याल भी रखता है। मैं इस घर में होते हुए भी असहाय सा हूं, कुछ भी नहीं कर पा रहा। यार ये ऐसे नहीं मानेगा बुड्ढे, यार पूरा मूड खराब कर देता है, इतनी मुश्किल से हमने बातें की थी और मूड ठीक किया था फिर आ गया ये। पापा इधर
अगर इतना सब था तो बता क्यों नहीं दिया था मुझसे, बात क्यों छुपाई, पहले बता देते तो मेरा घर नहीं उजड़ता कम से कम। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने तुझे पहले नहीं बताया, मैं सोच रहा था कि सब ठीक हो जाएगा लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ। पापा पापा ये बात मुझसे आपने छुपाई कि अगर पहले बताया होता तो आज एक घर से बाहर होती, आपको इस हालत में नहीं देख सकता पापा मैं। अरे पापा आप चिंता मत करो, मैं हूं ना आज इसका आखिरी दिनों का घर में, इसको धक्के मार के निकालूंगा। कोई नहीं यार, तुम यहाँ बैठो, मेरे को तो लगता है आज का हमारा दिन ही मनुष्यत वाला है यार, जिसे देखो कोई ना कोई परेशान करने आ रहा है यार, शांति से 10 मिनट कोई बैठने भी नहीं दे रहा, कभी तुम्हारा वो नौकर, कभी तुम्हारा ये बाप यार। इससे अच्छा ना मैं प्रिंस से अभी की अभी तलाक ही ले लूं यार, मुझे रहना ही नहीं इस घर में, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। कोई नहीं शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। अरे एक मिनट, ये आवाज कैसे आ रही है? ये पुट्ठा ऐसे नहीं मानेगा, इसको तो मैं बताती हूँ। पुट्ठे क्या दिक्कत है तुझे, कब से देख रही हूँ कितनी आवाजें कर रहे, पुनीत इसको ऐसे समझ जाएगी, तुझे तो मैं बताती हूँ। रुक अंकिता, बहुत बढ़िया अंकिता, सही किया तुमने मुझे धोखा देकर, मैं वहां बॉर्डर पे देश की रक्षा करता रहा और ऐसा लगा कि मेरा परिवार तो खुश होगा, क्योंकि तुमने तो मुझे हमेशा यही जताया था कि तुम बहुत अच्छी हो और मेरे घर वालों का ख्याल रख सकती हो, मेरी माँ तो नहीं थी, मेरे पापा और तुम दोनों तो रहते थे इस घर में, सोचा खुशहाल होंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पापा को ऐसे दुख में देख कर ना बहुत बुरा लग रहा, खुद पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि तेरे जैसी औरत से शादी की मैंने, जो मेरे घर वालों का ख्याल भी नहीं रख सकती। तू तो बहुत बोलती थी ना कि तेरी दोस्त जब पूछती है कि तेरा पति फौज में है, तुझे बहुत गर्व महसूस होता है, लेकिन आज आज देखकर लग रहा है कि तुम्हें गर्व महसूस नहीं होता था, तुम बस दिखावा करती थी। चलो कोई बात नहीं, लगता है तुम्हारा मेरा सफर बस इतने तक ही था, रहेगा जिसके साथ रहना, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंस प्लीज मुझे माफ कर दो, गलती हो गई, मैं इसके साथ आ गई, तुम माफ कर दो ना, मैं आगे से ये सब नहीं करूंगी। नहीं अंकिता, माफी मांगने की जरूरत है नहीं, और मुझसे उम्मीद भी मत करना कि मेरे पापा के साथ जैसी बदतमीजी तुमने की है इसके बाद तुम्हें माफ कर दूंगा, बिल्कुल नहीं। प्लीज निकल जाओ यहाँ से, अपना सामान पैक करो और निकलो, तुम्हें तलाक देता हूँ मैं, तेरी जैसी धोखेबाज औरत के साथ मैं बिल्कुल नहीं रहना चाहता, निकलो अंकिता। कैसे यार, शेयर का बटन वीडियो को जल्द से शेयर कर दो, प्यारा से कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी, कोई भी अच्छी स्टोरी अच्छा आइडिया दिमाग में आ रहा था प्लीज कमेंट जरूर करना, क्योंकि स्टोरी मैंने आपके कमेंट्स देख के बनाई है जो आपने पिछले वीडियो में कमेंट्स किए थे, तो कमेंट भर भर के कर दो यार, प्लीज हमारे पेज को फॉलो कर दो, प्लीज 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 फॉलो कर दो यार, प्लीज 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 फॉलो कर दो, और अब भी इस वीडियो को शेयर कर दो, अब भी कर दो, प्लीज लव यू ऑल।